जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। उत्पत्ति के पुस्तक 41 अध्याय 51 और 52। और यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनासे रखा कि परमेश्वर ने मुझसे सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना बुला दिया है। और दूसरे के नाम उसने यह कहकर एब्राहिम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फुलाया फलाया है। यूसुफ जब मिस्र देश में रहा, उस अकाल आने के पहले उनको दो बेटे हुए। बड़ा बेटा का नाम मनासे रखा और दूसरे बेटा का नाम को उन्होंने इब्राहिम रखा। उस दोनों बेटे के नाम के पीछे जो भूमिका है, उसको यदि हम समझने से परमेश्वर हमारे लिए जो आशीष को रखा है, उसको हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। मसीह जीवन का मतलब है, वो अनेक बातों का शुरुआत होती है। एक ही स्थान में बैठना ही मसीह जीवन नहीं है। कभी आप हार को सामना किए, किसी बातों को नुकसान ने या आपके जीवन में इतनी कड़वापन हुआ है, भूल नहीं सकते हैं। ये सभी बातों को भूल के एक नए बातों को शुरू करना ही परमेश्वर की इच्छा है और उनकी मनसा है, उसको समझ के हमें करना। आमीन। यूसुफ ने अपने को तैयारी की, परमेश्वर ने बीती हुई बातों को भूलने के लिए कह दिया। पिछले दिनों में उनको बहुत कठिनाई हुई थी, उसके खुद के पिता के घर में उनके विरोध में इतने नुकसान हुआ, उनके विरोध में षड्यंत्र रचे। वो कहता है जहां मैं दुख भोगता था, इसका मतलब पिता के घर में जहां आया वहां भी वैसे ही है। जिस देश में मुझे निंदा किया गया, अपमान किया गया, मैं बंदी जेल में डाल दिया गया, ऐसे क्लेश भोगने के इस देश में, इसका मतलब पिछले दिनों के सारे दुखों के बदले, आज जो वर्तमान के समय के सारे दुखों के बदले परमेश्वर ने आशीष दिया है कहके अपने पूरे दिल से उस भक्त ने प्रभु को धन्यवाद दिया। उन पिछले दिनों की दुखों के चलते और परेशानी के चलते उस यूसुफ की सारे विश्वास को कमजोर नहीं किया है, यूसुफ को बढ़ाया है। और उस पराया देश में परमेश्वर को ऊपर विश्वास में वो मजबूत रहा और नए शुरुआत के लिए उन्होंने जगा दिया। हम भी वैसे ही करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्यों को करेंगे। हालेलुया हालेलुया।